हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें से हो सकता है बहुत से क्वेश्चन जो है आपको टर्म 2 में देखने को मिले। ठीक है, सो फर्स्ट आपको एमसीक्यू आएगा। यहाँ पे लिखे कि इफ टेन ए इज इक्वल टू कॉट पी देन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखिए, ये हमारे पास दिया गया है टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, तो इसको हम लिखेंगे टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी। और क्योंकि हमें मालूम है कि cot theta इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस b। अब यहां पे हम क्या करेंगे, tan और tan को कैंसिल कर देंगे आपस में, तो हमारे पास बचेगा a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b। और जब हम मतलब a और b को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमारा आंसर हुआ 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट पूछे हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। देखिए, ये एक सर्कल है और इसमें आपको बहुत से टेंजेंट दिखाई दे रहे हैं, ये जो लाइनें जैसे गई हैं स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ये हमारी मर्जी है कि हम अपने सर्कल में कितने टेंजेंट जो है ड्रॉ करना चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, हम कितने भी टेंजेंट जो है इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब साइड एल। ओके, तो इसका ये तो सिंपल फार्मूला है, एल इंटू एल इंटू एल, दैट इज एल क्यूब। तो इसका आंसर एल क्यूब होगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे साइन ऑफ ए माइनस बी, जो कि हमारे पास होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिंपली 90 और थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे देखो आपका जो साइन 90 है वो 1 होता है और जो कॉस 90 है वो 0 होता है। सो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली हम कर सकते हैं यहाँ पे 1 कॉस थीटा माइनस 0 मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब 0 से किसी को भी माइनस मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही होता है, तो हमारे पास सिंपली कॉस थीटा आ रहा है। सो हमारा आंसर है कॉस थीटा। नेक्स्ट पूछा है द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल इज डैश टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, यानी किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है। अब देखो यहाँ पे ये सर्कल है और ये सारे रेडियस है, राइट, ये सारे रेडियस है और यहाँ पे टेंजेंट के साथ ये सारे अटैच हो रहे हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा परपेंडिकुलर। ओके, और ये स्लेंट हाइट ये सिंपली फार्मूला है, तो यहाँ पे एच स्क्वेयर आएगा और एक ये 1 प्लस, ये भी हमारा फार्मूला ही है। ठीक है, इसको आप सिंपली कर सकते हो यहाँ पे tan square theta 1 plus tan square theta equal secant square theta। So next पूछा है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु के इसको क्या बोलते हैं, यानी the common point of tangent and the circle। अब देखो ये हमारा tangent है और ये सर्कल है, तो इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी स्पर्श बिंदु। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ये सिंपली फॉर्मूला है आपका। और नेक्स्ट है 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, तो यहाँ पे टेन 45 की सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे, टेन 45 होता है 1, सो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो आप 0 आ रहा है आंसर, ओके 0 बाय 2, तो इसका आंसर होगा 0। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर का फार्मूला लिखेंगे हम 2 पाई आर क्यूब डिवाइडिंग बाय 3 या 1 बाई 3 2 पाई आर क्यूब। सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, एक 3 से एक 3 यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 396 डिवाइडिंग बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। सो सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लिखे साइन 18 डिग्री डिवाइडिंग बाई साइन 72 डिग्री, बट अगर आप बुक फॉलो करेंगे तो वहां पे कॉस 72 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन जो वो गलत है, अगर इस हिसाब से हम आंसर निकालेंगे तो आंसर आपका कुछ और आएगा। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, साइन 18 डिग्री डिवाइडिंग बाय कॉस 72 डिग्री निकाल रहा हूँ। ओके, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपको क्लियर है, तो इसको हम लिखेंगे थीटा कितना है 72 डिग्री। सो साइन ऑफ 80 डिग्री डिवाइडिंग बाय कॉस ऑफ 72 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री डिवाइडिंग बाय कॉस 72 डिग्री। और यहाँ पे देखो कॉस थीटा आया ना, अभी मन तो 18 ही रहा है ये, तो ये सिंपली आ जाएगा कॉस 72 डिग्री डिवाइडिंग बाय कॉस 72 डिग्री, और दैट्स आवर आंसर इज 1।
हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 1। बट अगर हम इसी को फॉलो करें तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है, कॉट 72 डिग्री, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब एक्चुअल में फॉलो करोगे तो इसका आंसर जो वो 1 आएगा, और इस हिसाब से कॉट तो फिर वो आंसर है नहीं यहाँ पे। सो आप देख लेना यहाँ पे क्या करना है, और ये केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, सिंपली बताएगा कि लॉकडाउन में ये कुछ बंदों ने डिसाइड किया, कुछ पत्ते थे इनके पास, 17 पत्ते हैं। ठीक है, तो बाकी राम कहानी छोड़ो, आप सिंपली देखो यहाँ पे लिखा है आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि मतलब जो भी वो पत्ता निकाल रहे हैं वो एक विषम संख्या है। अब 1 से 17 के बीच अगर आप काउंट करेंगे ना ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 जो भी है, तो वो आपके पास टोटल 9 वैल्यूज निकलेंगे। ठीक है, टोटल पत्ते 17। तो ऐसे क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक ऑड नंबर या ऑड पत्ता निकले, तो वो 9 डिवाइडिंग बाय 17, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाले गए पत्ता एक अभाज्य, अभाज्य यानी जो खुद से डिवाइड होता है, राइट, जैसे 1, 3, 5, 7, फिर 11, 17, है ना। तो ये टोटल, ये तो हो गया 9 डिवाइडिंग बाय 17, और ये टोटल पत्ते मतलब 7 वैल्यूज हो रही है जो कि सिर्फ खुद से डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7 बाय 17। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास कि ऐसे कौन से पत्ते हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं, तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगे तो टोटल हमारे पास आई थिंक, मेरे को लग रहा है 6 और 12 ऐसी दो वैल्यू जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड होंगे, तो हमारे पास सिर्फ कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यूज आ रही है, और एक तो 3 हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक 3 होगी ना और 6 और 12, तो टोटल 3 बाई 17 इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 3 और 5, मल्टीपल ऑफ 3 और 5 में देखें तो 3, 5, 6, 9, ये टोटल हमारे पास बन रही है 3, 3, 6 और 7 वैल्यूज बन रही है, तो इसका आंसर होगा 7 बाई 17, राइट। इंग्लिश में भी सेम आंसर है, ये बकवास ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हो। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो यहाँ पे बोला कि ए हाउस इज टाइज टू अ पेग एट एन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर है जिसमें हॉर्स को बांधा गया है, यहाँ जैसे हॉर्स है और जो रस्सी है वो है 5 मीटर रेडियस की, और ये जब यहाँ पे घूमता है तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर यानी जो फील्ड है उसकी लेंथ है 15 मीटर, राइट, और जो रोप है उसकी लेंथ 5 मीटर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ ए फील्ड, तो हम सिंपली लिखेंगे भुजा की लंबाई 15 मीटर, रस्सी की लंबाई 5 मीटर। सो फील्ड का क्षेत्रफल, फील्ड का क्षेत्रफल हमें रस्सी से कोई लेना देना नहीं, तो हम क्या करेंगे भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर, तो वो आ जाएगी हमारे पास 225 मीटर स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर रहेगा। फिर चूज अ करेक्ट फार्मूला फॉर ऑब्टेनिंग या डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ, ये तो सिंपली फार्मूला हमारे पास ये हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। और नेक्स्ट फाइंड द एरिया पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी हमें सिर्फ ये एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें जो घोड़ा है वो घास खा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्क की भुजा 15 मीटर, रस्सी की लंबाई होगी 5 मीटर जो कि रेडियस हो गया। ठीक है, घोड़े के चरने के लिए उपलब्ध क्षेत्र और कुछ नहीं जबकि वृत्तांत के चतुर्थांश का एक क्षेत्रफल है, यानी ये टोटल का एक एक हिस्सा यानी 1/4। तो जो भी फार्मूला उसके साथ हमने 1/4 लगा देना, जैसे ये सेमी सर्कल जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर एक फार्मूला हो गया और साथ में 1/4 लगा देना है। जब हम इन सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, सिंपली 1/4 पाई आर स्क्वायर करना है यहाँ पे। सो ये हमारा फार्मूला आ गया। नेक्स्ट बोलता है कि अगर घोड़े की जो रस्सी बांधी गई उसको हम 10 मीटर कर दे, तब इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, मतलब कितने एरिया में वो चर सकता है। तो ये लिखा हुआ कि इसकी रस्सी अगर लंबी बढ़ा दी जाए तो रेडियस हो जाएगा 10 मीटर। और नया फार्मूला फिर से तुम्हारे पास आ गया 78.5 मीटर। ओके, तो हमें एरिया ऑफ इंक्रीज फाइंड आउट करना है, यानी कि एरिया में कितनी बढ़ाई हुई, तो पहले वो कितना चर सकता था हमारे पास 19.62 और अभी 78.5, तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, इनको माइनस कर देंगे तो 58.87
5 मीटर जो है वो एक्स्ट्रा एरिया में मतलब अब घास खा सकता है, ठीक है। ये 21 नंबर क्वेश्चन है, ये मैंने खुद से सॉल्व नहीं किया हुआ है, क्योंकि आप इतना पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो एक आधा क्वेश्चन खुद भी करके देखिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन करवाने का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ है। ओके, सो इंग्लिश में आप लिखोगे लेंथ ऑफ साइड 15 मीटर, लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर, एरिया ऑफ फील्ड साइड स्क्वायर 15 × 15 दैट इज 225 मीटर स्क्वायर। सो दैट इज द ऑप्शन, और ये सिंपली फार्मूला है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, साइड ऑफ स्क्वायर इज 15 मीटर, लेंथ ऑफ रोप इज 5 मीटर और दैट इज कॉल्ड रेडियस। सो द एरिया अवेलेबल फॉर हॉर्स टू ग्रेज इज नथिंग बट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, यानी इस पूरे एरिया का 1/4 एरिया जो है उसमें घोड़ा घास खा सकता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 πr² सॉल्व करके ये आ जाएगा हमारे पास। और नेक्स्ट फिर से वही, अगर लेंथ को हम 5 मीटर से 10 मीटर कर दे तो रेडियस 10 मीटर हो जाएगा। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इसको सिंपली माइनस कर दो यहाँ पे, ठीक। ओके, नेक्स्ट है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो देखो इसमें लिखा है थैले में 3 लाल बॉल है और 5 काली गेंदे है, तो टोटल गेंदे कितनी होगी? तो आप सिंपली लिखोगे लाल गेंदों की संख्या 3, काली गेंदों की संख्या 5, टोटल गेंदे कितनी होगी? 8 होगी। और आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि लाल गेंदे कितनी है, ठीक है। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, तो हम लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या डिवाइडेड बाय गेंदों की कुल संख्या, दैट इज 3/8। ओके, यहाँ पे सिर्फ रेड पूछी, अगर मान लीजिए ब्लैक भी आपसे पूछी गई हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल्स या काली गेंदों की संख्या डिवाइडिंग बाय गेंदों की कुल संख्या, दैट इज 5/8। इंग्लिश में लिखोगे नंबर ऑफ रेड बॉल 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल इज नंबर ऑफ रेड बॉल डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट इज 3/8। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल्स, सिंपली द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट इज 5/8। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इस तरह से बनाया गया ये टेंजेंट, 80 डिग्री एंगल है यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAP एंड इन ट्रायंगल OPB, यानी OAP और OPB, OA इज इक्वल टू OB मतलब इन दोनों की इक्वल रेडियस है, AP इज इक्वल PB दैट इज इनके टेंजेंट भी दोनों के इक्वल है, सो OP इज इक्वल टू OP दैट इज ये दोनों कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, राइट, इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल OAP और OPB मतलब अप्रोक्सीमेट एक दूसरे के इक्वली होंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स एंगल ऑफ POA इज इक्वल टू एंगल ऑफ POB एंड द एंगल ऑफ OPA इज इक्वल टू एंगल ऑफ OPB, राइट। दैट मीन्स OP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल APB एंड एंगल AOB, दैट मीन्स एंगल ऑफ OPA इज इक्वल टू एंगल ऑफ OPB और हाफ ऑफ एंगल APB, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ, और वो एंगल हमारे पास 80 डिग्री दिए गए, यानी ये आ गए हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है। सो अब ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब इन तीनों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। तो इन ट्रायंगल OAP एंगल ए प्लस एंगल POA प्लस एंगल OPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक जगह पे तो एक तो परपेंडिकुलर है, यानी ए एंगल तो हो गया 90 डिग्री और ये हमने निकाला हुआ है 40 डिग्री, तो सिंपली हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल ऑफ POA प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री, और इनको प्लस कर दिया, फिर बाद में एंगल POA हमारे पास सिंपली आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज, इट सिंपली फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो हमें पता है कि द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस आर एंड एंगल थीटा इज थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अभी MCQ में भी किया है हमने, तो सिंपली वैल्यू पुट करनी है, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ये रहा फार्मूला। और इसको जब हम
लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में लिखेंगे त्रिज्या आर और कॉन थीटा वाले वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, यानी ये हमारा फार्मूला। हमारे पास ये दिया गया थीटा और त्रिज्या, फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका और पार्ट कर दिया हमने 23, क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब वही 52 पत्ते हमारे पास जो ताश वगैरह खेलते हैं। अब तो लाल रंग का बादशाह निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो हम लिखेंगे द किंग ऑफ रेड कलर कैन बी हर्ट किंग और ए डायमंड किंग। सो द पॉसिबिलिटी हमारे पास दो आ रही है। अब 52 में से निकालने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग हो जाएगी हमारे पास 2, मतलब पॉसिबिलिटी डिवाइडिंग बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड। सो ये हो जाएगी 2/52, दैट इज 1/26, ये प्रोबेबिलिटी रहेगी। हिंदी में लिखेंगे लाल रंग का राजा दिल राजा या हीरा राजा हो सकता है, अतः इसकी पॉसिबिलिटी है 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग इज 2/52, दैट इज 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग डे, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो देखो हाइट जिसको हम एच लेंगे, हमारे पास देगी 24 सेंटीमीटर, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास फार्मूला था 1/3 πr² एच, सिंपली वैल्यू पुट करनी है हमें 1/3 π r² की जगह 6² × 24, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 288 π cm³। शंकु की ऊंचाई h इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 288 π cm³। अब इसको मल्टीप्लाई 22/7, मतलब पाई की वैल्यू पुट करके, या मल्टीप्लाई 3.14 भी निकालेंगे तब भी आपका आंसर सही आ जाएगा, मतलब उस तरह से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप 25 खुद देख लेना, ठीक है। देखो 26 में हमारे पास है कि साइन ऑफ ए माइनस बी हमारे पास दिए गए 1/2 और कॉज ऑफ ए माइनस बी हमारे पास दिए गए 1/2, हमें फाइंड आउट करना है ए और बी, ठीक है। अब देखो साइन ऑफ ए माइनस बी हमारे पास दिए गए 1/2, आपको पता है कि साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, तो जहां पे 1/2 लिखे हैं हम सिंपली वहां पे ले सकते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा, ओके, और हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये होगी हमारे पास इक्वेशन 1, साइन से साइन कट गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। सेकेंडली देखो कॉज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, that is equal to cos of a minus b and that is equal to cos of 60 degree। यहाँ पे गलत लिख दिए cos of a plus, यहाँ पे cos of a minus b होगा, ठीक है, और cos of 60 degree होता है 1/2, तो यहाँ पे भी cos से cos कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। सो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, और इनको जब सॉल्व किया तो हमारे पास 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री और a आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, कहीं भी पुट कर दो वहां से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो b हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री, राइट, ए 45 डिग्री हो गया और बी हो गया हमारे पास 15 डिग्री। नेक्स्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर ए बी सी डी इज स्क्वायर ऑफ दिस, ओके। सबसे पहले इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडिंग बाय सीकेंट ए, ओके, लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडिंग बाय सीकेंट ए, सीकेंट ए इज ऑपोजिट ऑफ 1 ऑफ कॉस ए, सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय कॉस ए, फिर डिवाइडिंग बाय 1 डिवाइडिंग बाय कॉस ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो हमारे पास आ जाएगा
कॉस प्लस ए, फिर डिवाइडिंग बाय कॉस ए ये वाला, फिर डिवाइडिंग वन बाय कॉस ए, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये कॉस ए और ये कॉस ए कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा कॉस ए प्लस वन, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए माइनस वन से, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडिंग बाय, हमारे पास आ रहा है वन माइनस कॉस ए, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हमारे पास होता है साइन स्क्वायर ए, सो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडिंग बाय वन माइनस कॉस ए, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है और 24 सेंटीमीटर इसकी साइड दी गई है, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ साइड 14 मीटर इज इक्वल टू 4, और रेडियस हम मान लेते हैं आर, तो यहां से रेडियस आ जाएगा हमारा 7 डिवाइडिंग बाई 2 सेंटीमीटर। नाउ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा हमारे पास, द एरिया ऑफ स्क्वेयर माइनस टू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, यानी एरिया ऑफ सर्कल प्लस टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा, राइट। सो हमारे पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस ऑफ ब्रैकेट स्टार 3 पाई मल्टीप्लाई 7/2 होल स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे इसको इस तरह से लिखना है हमें, 1 मिनट। ठीक है, इसको हम लिख देंगे 14 होल स्क्वायर माइनस, और इस सब को सिंपली हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87 पाई डिवाइडिंग बाय 4 आ जाएगा, फिर ये जगह हमारे पास 196 माइनस 87 पाई डिवाइडिंग बाय 4, और इसमें जब हम 3.14 से 87 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68.29 डिवाइडिंग बाय 4 भी करना है, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 127.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे, दिया है एबीसीडी भुजा का एक वर्ग, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई वृत्त की त्रिज्या, सिंपली वैल्यू पुट करनी है, यहां से आर हमारे पास आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब छाया के क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 2 मल्टीप्लाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सो क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3 पाई मल्टीप्लाई 7/2 होल स्क्वायर, और ये सिंपली हमने जैसे पीछे सॉल्व किया ना वैसे करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 127.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो भाई, एक शंकु के छिन्ने के त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, सिरो 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हम देखिए, हमारे पास दिए गए एल स्लेंट हाइट दी गई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ एंड सर्कुलर एंड, ओके सर्कुलर एंड का हमारे पास सर्कमफ्रेंस है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर 1 इज इक्वल टू 18, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा हमारे पास आ जाएगा पाई आर 1 इज इक्वल टू 18 डिवाइडिंग बाई 2, दैट इज इक्वल टू 9, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी पाई आर 1 दैट इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। अब दूसरा लेंगे अदर एंड वाला, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अदर सर्कुलर एंड इज 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आर 2 ले लेंगे हम, ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर 2 दैट इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया पाई आर 2 इज इक्वल टू 3, दो इक्वेशन होगी हमारे पास। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कर्ड सरफेस एरिया दोनों में पाई कॉमन आ गया और हमारे पास आ गया आर वन प्लस आर टू इंटू एल, यानी इसका वैसे तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल, बट यहाँ पे आर 2 आ जाएंगे, आर वन प्लस आर टू और पाई एल कॉमन ले लेंगे हम, तो सिंपली वैल्यू पुट करनी है हमने, तो 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4,
ओके, तो हमारे पास ये टोटल सॉल्व करके आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाई आर वन 9 + 3, यानी इसकी जगह 9 + 3 लिखना है और एल हमारे पास 4, इसको 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हिंदी में लिखेंगे, दिया है हमारे पास एल 4 सेंटीमीटर, एक वृत्ताकार सिरे की परिधि 18 सेंटीमीटर, सो 2 πr1 इज इक्वल टू 18, पाई आर वन इज इक्वल टू 18, और इक्वेशन आ गई एक वन हमारे पास है पाई आर वन इज इक्वल टू 9। अब दूसरे की बारी आएगी, तो दूसरे की है हमारे पास परिधि 6 सेंटीमीटर, फार्मूला 2 πr2 इज इक्वल टू 6, फिर पाई आर टू इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3, और एक दूसरी क्वेश्चन आ गई हमारे पास, ये आ गई। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई आर वन प्लस पाई आर टू, और एल दोनों में कॉमन आ जाएगा, सो पाई आर वन प्लस पाई आर टू यानी 9 + 3 × 4 दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोला है कि एक चाइल्ड है, मतलब लूडो की जो डाइज होती है ना उसको बार बार करता है, तो यहाँ पे जैसे ए बी सी डी ये नंबर आ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑन द डाई 6 होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए, अब यहाँ पे देखो तो ए कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, डी कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, सो देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज 2/6, यही होगा ना, नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ फेसेस दैट इज 2/6, 1/3 होगी, और डी के लिए हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेसेस दैट इज 1/6। क्लियर है, हिंदी में पासे के कुल चेहरों की संख्या कितनी होगी, 6, ए वाले चेहरों की संख्या 2, डी वाले चेहरों की संख्या 1, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि हमें ए मिलेगा, ए वाले चेहरों की संख्या डिवाइडिंग बाय चेहरों की कुल संख्या 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3, और पी डी प्राप्त करने की संख्या आ जाएगी, डी वाले चेहरों की संख्या 1/6 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है टावर वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। देखो ये इस तरह से हम डायग्राम बना लेंगे, ये एंगल है 60 डिग्री, ये टावर की हाइट है और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी यहां से लेके यहां तक जो 60 डिग्री बना रहा है ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से जो दिया गया हमारे पास वही से लेना है हमने। तो देखो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस। ओके, और टेन हमारे पास हो गया 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री होता है हमारे पास अंडर रूट 3। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाई बेस। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू, यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर डिवाइडिंग बाई, ये जो डायग्राम में लिखा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, दैट मीन्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर डिवाइडिंग बाई, और ये डिस्टेंस हमारे पास दिया गया है 15 मीटर। ओके, सो सिंपली यहां से हाइट ऑफ टावर आ जाएगी, 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 15√3 सेंटीमीटर, और सॉरी मीटर, राइट। तो हाइट ऑफ टावर आ गई हमारे पास 15√3 मीटर। हिंदी में हम इसको सॉल्व करेंगे, टेन थीटा होता है हमारे पास लंब डिवाइडेड बाई आधार, और टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 दैट इज इक्वल टू लंब बटा आधार, एंड दैट इज इक्वल टू मीनार की ऊंचाई डिवाइडिंग बाई मीनार के पास से बिंदु की दूरी, और √3 इज इक्वल टू मीनार की ऊंचाई डिवाइडिंग बाई 15 आ जाएगा, और यहां से मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 15√3 मीटर, इसीलिए मीनार की ऊंचाई हुई 15√3 मीटर। नेक्स्ट है ये, मतलब सिल्वर क्वाइन दिया गया है जिसका डायमीटर है 1.75 मीटर, थिकनेस 2 mm, मस्ट बी डायमेंशंस। ओके, सिक्कों की वैल्यू निकालनी है हमें, तो पहले हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ कॉइन बी एक्स, डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर, सो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.875 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो एक्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, यानी वॉल्यूम बॉक्स का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, जितने उसमें सिक्के आए हैं। ठीक है, सो एक्स हो गया हमारे पास सिक्कों की संख्या। ओके, सो एक्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, दैट मीन्स एक्स मल्टीप्लाई
वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होगा एल बी एच। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाई 7 और ये आर स्क्वायर ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 बाई 10 इज इक्वल टू और ये 55 10 और 35 यहाँ पे दिया गया है। ये देखो 55 10 मतलब इनको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये सब आ रहा है हमारे पास डिवाइडिंग बाई 10 करना है। ठीक है तो इसको जब हम सारे को सॉल्व करेंगे ना सिंपली सॉल्व सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है ज्यादा कांट शांट करेंगे तो गलत आ सकते हैं। सिंपली हमने क्या करना है सबको मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे आ जाएगा आपके पास 6 और ये 10 7 और डेसिमल पॉइंट आएंगे। ये अपने हिसाब से देख लेना आप लोगों ने कैसे करना है। ठीक है तो मेरे बोले मतलब कि इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई 0.48125 एंड दैट इज इक्वल टू इसको भी सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 192.5। ज्यादा कांट छांट नहीं करनी है सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 192 डिवाइडिंग 0.5 डिवाइडिंग बाई 0.48125। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास 400 आएगा। सो सिक्कों की जो संख्या है जो क्वाइन है वो 400 लगेगी। हिंदी में लिखोगे माना सिक्कों की संख्या एक्स ये डायमीटर हमारे पास इतना दिया गया तो रेडियस आ जाएगा 0.875 सेंटीमीटर और x मल्टीप्लाई एक सिक्के का आयतन दैट इज इक्वल टू डिब्बे का आयतन और ये आगे आपने किए हुआ है x मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू एल बी एच x मल्टीप्लाई ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। पुट करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास और यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400। नेक्स्ट सर्वे वाला ये क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। ठीक है मडेन में आप देखेंगे मॉडल क्लास आ रही है 3 to 5 राइट। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यूज आपको आपके टीचर ने बताया होगा कैसे निकालते हैं। एल हमारे पास 3 है और एफ 0 7 है एफ 1 है 8 एफ 2 है 2 और एच हमारे पास आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है मोड ऑफ द डाटा फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास एफ 1 माइनस एफ 0 डिवाइडिंग बाई 2 एफ 1 माइनस एफ 0 माइनस एफ 2 और मल्टीप्लाई सबको एच से कर देना है। ठीक है इसको सॉल्व करके सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है 3 प्लस और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 यहाँ पे 8 माइनस 7 1 आ गया और यहाँ पे 16 माइनस 9 ये 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 इनको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 0.286 और हमारा मोड आ गया 3.286। अब देखो भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु की 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक मतलब ये अलग अलग रेडियस वाले गोले हैं स्फेयर हैं इनको पिघला के सिंगल स्फेयर बनाना है हमें तो उसकी त्रिज्या फाइंड आउट करने की कितनी त्रिज्या बनेगी। ठीक है तो देखो माना कि रिजल्टिंग गोले की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है। ठीक है फिर रिजल्टिंग गोले का आयतन आ जाएगा 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों के आयतनों का योग दैट इज रिजल्टिंग आ गया 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज इक्वल 4/3 पाई मल्टीप्लाई 6 क्यूब प्लस वैल्यू पुट करते जाना 4/3 पाई तो सब में ही आएगा यहाँ पे आर क्यूब है आर ही आई क्योंकि आर हमने माना हुआ है और बाकी मतलब आर 1 आर 2 और आर 3 बट इसकी जगह हमारे पास वैल्यू दी गई है 6, 8 और 10 ये 6, 8 और 10 हमने पुट कर दिया। अब इनको चाहे कॉमन ले लो चाहे जैसे मर्जी ले लो ये तो कट ही जाएंगे हमारे पास सिंपली आ जाएगा आर क्यूब और 6 क्यूब 8 क्यूब और इनको सॉल्व करके ये आ रहा है सबको करके तो हमारे पास आ जाएगा 17 to 8। ओके अब इसका लिख सकते हैं हम 12 raised to power 3 मतलब 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ रहा है तो 3 से 3 कट जाएगा पावर और पावर कट जाएगी आर हमारे पास आएगा 12 सेंटीमीटर। इंग्लिश में लिखोगे लेट द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर बी आर सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर आ जाएगा सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर ऑफ रेडियाई दिस दिस एंड दिस तो सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है मेन फार्मूला हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ओके तो ये रिजल्टिंग आ गया ये आर 1 आर 2 और आर 3 आ गया ये कट जाएंगे फिर ये आ गया हमारे पास फिर इस तरह से
ये कट गया और रेडियस आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ऋतु है जो मतलब जिस डायरेक्शन को पानी जा रहा है उस डायरेक्शन की ओर भी तैरती है और उसके ऑपोजिट भी तैरती है, तो अलग अलग स्पीड दी गई है इसके, ठीक है। तो मतलब ये पूछी गई है कि इसकी धारा की चाल क्या है और स्थिर जल में उसकी चाल क्या है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। माना स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर भी एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यानी खड़े पानी में उसकी जो स्पीड है वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्पीड ऑफ करंट हम मान लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, सो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम यानी जब पानी की बहाव में वो तैरती है, तो स्पीड तो प्लस ही होगी ना, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड अप स्ट्रीम यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब स्पीड हो जाएगी इसकी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो हमें पता है कि टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय स्पीड, सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो टाइम क्या आ रहा है हमारे पास, देखो यहां पे लिखा है 2 घंटे 20 किलोमीटर और 41, 2 घंटे और 41 मिनट, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइडिंग बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। 20 हो गया डिस्टेंस, एक्स प्लस वाई हो गया हमारे पास स्पीड होगी, राइट, और दैट इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास 2 के बराबर दिया गया, ये 2 हो गया। और नेक्स्ट आ जाएगा 4 डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल टू 2, 4 किलोमीटर। सो इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाती है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरी आ जाती है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको, इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तब ये आ जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइड ही हो जाएगा, 2 को 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 ये डिवाइड हो जाएगा दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 1 ही बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आ गए, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वाई और वाई कट जाएगा, 2x आ जाएगा 12, और यहाँ से एक्स आ जाएगा 6, और इस एक्स की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 2 कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मान लो हमने 1 में यूज किया तो हमारे पास वाई आ जाएगा 4, दैट मीन्स ऋतु की स्पीड स्टिल वाटर में आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ करंट आ गई हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। हिंदी में देखो, मानव शांत जल में ऋतु की गति आ गई एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति आ गई वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल गति हो जाएगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, प्रतिकूल हो जाएगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय स्पीड। टाइम हमारे पास दोनों तरफ ही 2 घंटे आ रहा, दोनों तरफ 2 घंटे, तो हमने टाइम की जगह 2 घंटे और यहाँ पे भी 2 घंटे, और यहाँ पे डिस्टेंस 20 और 4 आ रहा है, ठीक है। ये 41 गलत लिख दिया, आई थिंक 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पीड आ जाएगी एक्स प्लस वाई और इस जगह एक्स माइनस वाई। इनको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल 2, दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल 12, एक्स आ जाएगा 6, 1 में पुट करेंगे 6 तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। सो शांत जल में ऋतु की गति आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति आ जाएगी हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना, थैंक यू।